डाल कर पसे पुश्त गमों को मेरा बाप। कहने लगा, बेटा कुछ चाहिए तुम्हें? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, जल्दबाजी में कहा, ले आया हूँ सब सामान जो चाहिए तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट गर्मी से महफूज रखे, आमीन आमीन। तो सी कुछ यूं है कि हमारे पापा ने हमारी दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश आज पूरी कर दी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, वाह आई एम सो हैप्पी, और अंदर बहुत खुश है। ये देखें, चेक करें, प्यारे ना। हाँ जी, तो इसके अंदर जो चीज है वो मैंने कहा था क्यों ना आज अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए कि मेरे पापा मेरे लिए क्या लेके हैं। और मेरे भाई भी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खुश हैं, उन्होंने पापा की पुरानी कोई चीज निकाल ली है और वो भी आज बहुत खुश है कि ये हमें सही करके मिल जाएगी। और पापा जी ने कह दिया कि ठीक है, क्योंकि वो इनको बहुत शौक है कि हमने वो चीज लेनी है, तो पापा कहते हैं कि चलिए ठीक है आप लोग ले लें। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर के मुल्क से आई, 35-36 हज़ार की वो चीज है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, सबसे पहले तो हमने अपनी चीजें आप लोगों को दिखानी है कि हमारे पापा हमारे लिए क्या क्या है। काफी दिनों से हम दोनों पहले सोच रही थी कि हमें ये चीज मिल जाए कि हम पापा से कहते हैं। इससे पहले तो हम दोनों पहले पापा जी से रिक्वेस्ट करती, पापा को पता नहीं कैसे पता चल गया, तो पापा जी ने भाई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम सोच रहे थे कि काश हमारे पास भी ये चीज हो, क्योंकि मेरी मम्मा इस चीज के सख्त खिलाफ है। मम्मा कहती है ये चीजें नहीं करते होते थे, लेकिन हम कहते हैं नहीं हमें चाहिए बस। तो पापा जी ने कहा काफी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सोच रहे होते हैं कि हम पापा जी से कहेंगे कि हमें ले दे, लेकिन हमारे पापा हमें खुद ही ला देते हैं। तो आई एम सो सो हैप्पी, और मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा जैसे पापा सारी दुनिया के हो, तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। तो मक्खन मक्खन लगा रही हूँ थोड़ा बहुत, तो इस तरह की मुझे थोड़ी सी अंदर थोड़ी चीजें मिस है, बट ये चीजें मिल गई मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे पास बस थोड़ी बहुत चीजें थी, तो ऐसे हम सोचते थे कि बस बड़ी बड़ी बच्चियों के पास ये चीजें होती हैं, लेकिन आज हमारे पापा ने हमें ला दिए, तो हमें महसूस हो गया कि ये हमारे पास भी हो सकती है। हमारे पास क्यों ना हो, हमारे पापा इतने अच्छे हैं, हमें हर चीज ला देते। तो चलो अब मैं आप लोगों को ना इतना इंतजार नहीं करवाती, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये क्या है। ये एक छोटा सा बैग है और इसमें मेकअप की चीजें हैं। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, हम अपनी कजनों घर के पास देखते थे ना, तो हम सोचते थे कि बस इनके पास यहाँ हमें नहीं मिल सकता ये। तो ये पर हमने ना काफी दिन से, जब ईद का मम्मा ने कहा कि चांद ये है ये वो, आप बस ईद आने वाली है सफाइयां करनी है, ऐसे करना ऐसे करना, तो हमने कहती कि आशा हम ना ईदी जोड़ के तो हम अपनी चीजें लेंगे। हम बस अभी इतना सोचे, हमने अभी घर में किसी के आगे नाम नहीं लिया था सिवाय जैनसन के। तुसी तो नहीं पापा ने दसिया? नहीं, वैसे भी ये बेचारे कहाँ घर होते हैं। पापा ने आ तो बहुत खुशी हुई, पापा जी ने हमें खुद ही ये चीजें ला दी, और आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और जैन हुसैन को भी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि ये पापा जी की जो सी घड़ियां है तो वो ले लें, तो पापा जी ने कहा कि चलो मैंने बहनों को मेकअप ला के दिया, तो आप लोग ये ले लो। एक पापा की इतनी प्यारी चीज है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, ये एक वॉच ऐसी है, वो वैसे नहीं चलती, ऐसे कलाई पे बांधो तो वो चल जाती है। वाओ, नाइस नाइस, ब्यूटीफुल। इधर आए हो, उठो यहाँ पे, मैंने कहा चलो पास बैठ के दिखाती हूँ ना, ज्यादा अच्छा लगे। यहाँ बैठो हम नहीं ना, 3 से 4 बार ये बैग खोल के देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख, ये है हाँ आई शर्ट के, तो क्योंकि हमने अभी लिया ना, तो ऐसी कहीं खा ले रंग लाली, तो चलो जी हम अब इसको खोल के देखते। ये और ये ब्रश प्यारा ना, दैट्स नाइस। चलो मुझे बहुत खुशी है, ये 48 कलर्स हैं। जैनसन प्यारा, ये बच्चों वाली चीजें नहीं है, ये लड़कों वाली चीजें नहीं है, ये लड़कों वाली चीजें मुंडिया तो कुछ बहुत ही शौकीन। चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ ब्लश ऑन, ये देखो ये है, कैसी कॉपी बनी हुई है ना। चलो अभी इसको खोल लेते, ये है ब्लश ऑन प्यारे। चलो ठीक है, आपने कमेंट करके बाद में बताना है कि हमारी सारी चीजें कैसी हैं। मुझे तो लगता है कि प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है। चलो ये लो, जो सी ऐसी चीज देख ली उसे बंद कर देते हैं ना। ओहो, ये लड़कों वाली चीजें है ही नहीं, ये लड़कों वाली चीजें नहीं है, नहीं है, नहीं। तुम लोगों की घड़ियां है ना, तुम लोग की घड़ियां है ना, तो वो तुम लोग देखो। चलो
और ये है ब्रश का पैकेट, देख रहे फिर पापा ने ब्रश भी अलहदा ला दिए साथ। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं खुद ही कांप ही जा रही हूँ, इतनी खुशी हो रही है। और ये है काजल, नाइस नाइस सो ब्यूटीफुल, अगर शादी भी आ रही है तो फिर हम। और ये है बीबी क्रीम, और ये हमारे कैचर, ये देख क्या है ना, ये बहुत क्या है, काफी नाइस। ये वाला रेड है, और ये आखिरी चीज है, ये और ये। चलो जी, काफी चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो लिपस्टिक, हाँ ये लिपस्टिक वगैरह भी मेरी यहाँ पे चीजें थी। ये है आईलाइनर, मस्कारा और ये लिपस्टिक, बहुत प्यारी है। और ये मस्कारा, माशाल्लाह। चलो भी अब चीजें रख दे, अभी नई नई चीजें हैं तो खराब ना हो जाए, तो फिर ईद पे मेकअप करेंगे और आप लोगों को। अब सैन सैन किया बोच देख ले, चलो सैन आप दिखाओ पहले क्या करी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मेरी आय बड़ी हाथ गला की है बेटा, है तोड़े पूरियां भी आ रही है, मेरियां कड़ियां ने आ रही है, तो क्या ने इसमें बाद में दे ओए, मैं थानू लिया देंगा छोटियां बच्चियां वालियां कड़ियां। नहीं बाबा जी, बाबा तुम छोटे बच्चियां ने ला दे, तो सुन पैती ला दे। चलो टच कड़ियां ले आ दे। और ये हमारा पूरा बैग, कैसा है, प्यारा है ना? वाओ नाइस। ये सारी चीजें मैंने अपनी कजन के पास देखी थी, और फिर मेरे दिल में भी एक हसरत उजागर हुई कि हमने भी ये चीजें लेनी है, तो वो थोड़ी बड़ी है तो उसके उनके पास तो है, तो मैंने सोचा ये बड़े बंदों वाली घड़ियां है, तो मैंने सोचा कि हम भी ये चीजें लेंगे। तो काफी दिनों से सोच रही थी और हमारे पापा ने हमें ये चीजें ला दी, और आई एम सो 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 हैप्पी। चलो जी, हम तो सोच रहे थे कि हम ना ये मेकअप एक बार एक एक बार करके भी देखेंगे, लेकिन ना अभी नया कर रही हूँ। और हाँ, लिपस्टिक हमारे पापा जी बस एक ही लेके आए हैं, क्योंकि हमारी लिपस्टिक्स काफी पड़ी हुई हैं, दो तीन और भी हैं, और पुरानी भी हमारी काफी पड़ी हैं, क्योंकि हमें ईद पे लगानी होती है, बाद में कभी लगाई ना और ना कुछ, तो जो सी कड़ी खुश्क वगैरह हो जाती है वो फिर हम एक साइड पे कर देते हैं, बाकी जो सी नई नई होती है, सही सारी नहीं होती है, हमने कहा कौन सा हमें लगाई रखनी होती है, हमने कभी नहीं लगाई है, हमें बस ईद उद पे बस शो किया वो भी लगा लेते होते हैं, तो वो भी मम्मा मना करती है कि बेटा मैं करती हूँ, आप लोगों ने कभी मुझे देखा मेकअप करते हुए तो ना क्या करो, तो लेकिन अब तो हमने क्या करना है, अब हमारा अपना मेकअप आ गया। तो वो हमारे पास लिपस्टिक पड़ी है, पांच ही होगी वो, और एक ये होगी वादू सात आठ होगी, और हमने बैग पहन के फेड़ के लाइन पहन। मैंने अपने मम्मा पापा से कहा था कि मुझे इस तरह का बड़ा बैग ले दो स्कूल के लिए, पर सानू लब्भा ही नहीं गा। वो वैसे भी इस तरह के बड़े बैग में पूरी नहीं आनी थी हमारी, मेरी बुक्स। मैं तो भाई वो नहीं करी देवी से पाऊं वड़ी ते जाना लाजमी नहीं, वड़ी ते लाजमी नहीं। अब बहुत खुशी हो रही है सबको, तो अब सारे बहुत ज्यादा हैप्पी है, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी कर लिया घड़ी का। हाँ, इन्होंने ना बड़ा क्या किया, घड़ियों को पानी में डुबो के देखा कि ये वाटर प्रूफ है कि दूसरी नहीं। ये देखो जी, सैन ने घड़ी पानी में फेंक दी। ये घड़ी मुझे ना सऊदी अरेबिया से किसी ने तोहफा दिया था, हमारे किसी रिश्तेदार ने, तकरीबन 10-12 साल हो गए, तो मैंने तो कभी पहनी नहीं। ये देखें, ये सीको 5 है, ये जो बांधते हैं तो फिर चलती है, अभी चल रही है, ये देखो हाँ हैंड में मैंने पकड़ी तो ये चलना शुरू हो गई। सहन तेरी तो लाटरी लग गई,
चलो जैन नु भी सीको फाइव मंगवा देंगे टच सीको फाइव रोटी कैसा लगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा हम तुम भी सोनी सोनी तारीफ कर रहे चलो ठीक है फिर बाय बाय अल्लाह हाफिज टाटा चलो बस आगे रख दो खराब हो जाएगा।